तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये नजारा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर का है, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा शहर में चल रहे विकास कार्यों का दौरा करने के लिए पहुंच गए। बता दें कि सेक्टर 3 के चौक से लेकर तिगांव रोड तक 4 लाइन सड़क बनाई जा रही है। जहां पहुंचे मंत्री मूलचंद शर्मा ने निरीक्षण किया, साथ ही मंत्रियों ने सेक्टर 3 के पार्क सहित मार्केट का भी दौरा किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने लोगों से अपील की कि वह शादी और अन्य धार्मिक समारोह जैसे कार्यक्रमों को दिन में ही निपटा लें और कोरोना महामारी से अपना बचाव करें। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का लोग सख्ती से पालन करें, क्योंकि फरीदाबाद NCR का मुख्य शहर है और हरियाणा की आबादी का 8 से 10% लोग फरीदाबाद में रहते हैं। ऐसे में लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। सेक्टर 3 में कुछ जो मार्केट की समस्या थी, लोगों की सीवर की समस्या थी, सड़क टूटी हुई है या मार्केट की पार्क की व्यवस्था, बार बार लोगों के फ़ोन आ रहे थे, लोग बार बार ऑफिस पर आ रहे थे। मैंने लोगों से कहा आप फ़ोन पर संपर्क करें, बल्लड़ का विकास करना प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, और उन बल्लड़ के विकास के बारे में विकास में कोई कमी नहीं देंगे, चाहे सीवर की हो, पानी की हो। और लोगों से मैंने यह भी अपील करी है कि आप घर पर रहें, आप अपना जो काम करना है दिन में, शादी है ब्याह दिन में करें, और विकास के बारे में हम बल्लड़ों कोई कमी नहीं रहने देंगे कि कोरोना जैसी महामारी है, इसको भी हम सबको हराना है। तो इस हालात को लेकर मुझे मार्केट में लोगों ने बुलाया और मार्केट लोगों की समस्या की जानकारी ली। मार्केट जो बड़ी लाइन है सीवर की जो हम डलवा रहे हैं, जो कॉलोनियों से भी टच होगी और जो सबसे बड़ी सीवर की लाइन गिर रही है, जल्दी इसको चालू करेंगे और 1 महीने में पूरी कम्प्लीट होगी। और आने वाले समय में जो रोड है इसको हम जो रोड है इसको 5 फुट और चौड़ा करेंगे, जिससे लोगों को आना जाने सुगम रास्ता मिलेगा। और पार्किंग की व्यवस्था भी हम जल्दी ही करने जा रहे हैं कि मार्केट सुंदर लगे। और सबसे बड़ा हमारा सेक्टर है, अभी हमने सेक्टर 3 की 4 लाइन रोड का उद्घाटन करा है, हमने मार्केट की भी अभी नए एस्टिमेट तैयार करा है, जिससे लोगों को आवागमन में सुगमता हो और लोगों को लाभ मिले और लोग भीड़ से भी बचें, जाम से बचें। और हम बल्लड़ के सेक्टर 3 को स्मार्ट रोड के तर्ज बनाएंगे, ये लोग जाम मुक्त रहें। इस तरह के लोगों की समस्याएं थी जिनको लेकर मैं सकती हूँ। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री शहर की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों से कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील की और जनता से कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने का आग्रह भी किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।